Good evening, everyone. Well, good afternoon, actually, sorry. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. Thank you so much, all of you, for coming. So it's a story about, this one image tells you, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. And sir, अभी आप फारिग हो चुके हैं, I think बस post-production बचा होगा फिल्म का, बाकी तो shoot करने का जितना भी phase था, like आप हैवी बॉडी में थे दिन, तो हाँ शूटिंग पूरी हो गई हमारी. शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो. और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ. इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को, हाँ किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है. पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज़ होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे किरण जी, मैं उनको बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं. तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन. अरे यार, तो मैं तो बड़ा एल्डरली हूँ आजकल. या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सीक्रेट है यार. हाय आमिर, डे आफ्टर देयर्स अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग दैट्स रिलीजिंग. हाय आमिर हियर, या सॉरी, शिल्पा फ्रॉम इंडिया टुडे. सॉरी, डे आफ्टर अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग इज रिलीजिंग सुल्तान. एनी सिमिलैरिटीज एट ऑल टू दंगल दैट यू हैव नोटिस्ड? नो, नॉट दैट आई हैव नोटिस्ड. आई मीन देयर इज रेसलिंग व्हिच इज कॉमन, बट that way so many films are common, so many films are revenge films, so many films are romantic films, so I think the genre of the film is quite different, the story itself is very different. One aspect of wrestling is common, but Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, you know, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely. And Amar, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of the storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So what is your take on it? Well, I feel what, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Amir? No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir? Recently, Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said that sorry, people should introspect instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani, basically. And he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? You know, I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart.
you know, I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I wouldn't be able to really... I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, you know, in all our films, hum log, hamari koshish ye rehti hai ki hum jitni sachai se logon ko batayein film ke bare mein. Ab mera young look bhi hai film mein. Hum young poster bhi laga sakte the ki main khada hoon, ekdam young dikh raha hoon, body badi achhi dikh rahi hai. But wo sachai nahi hai film ki. Kahani ki sachai ye hai ki ek baap ki kahani hai aur baap ki char betiyan hain. Unke rishte ki kahani hai, unke journey ki kahani hai. Ek parivar ki kahani hai. It's a family film. So, we are being honest with our material, and I think in all my films, humne koshish yahi ki hai ki hum apni jo film hai, wo ek sachai se logon ke samne rakhein. To lehaza isme bhi humari wahi koshish rahegi. Amir, hi, this is Atika. Wo to abhi aap dekhte rahiye na kya hoga. Har cheez main aapko kaise bata dun. Amir, hi, this is Atika here. Just want to ask you. Sorry. Where is it coming from? Yeah, this is Atika here. वो हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आप भी एक बेटी दो बेटों के बाप हैं. इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है, बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती. वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है. तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है. आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं. तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं, धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो, जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है. तो ना कम है ना ज़्यादा है, देर इज़ एन इक्वालिटी, देर शुड बी एन इक्वालिटी. और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म. दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है. ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है. ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप. आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस, बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी. तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, you know, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. Mujhe bada us pe maza aaya ki ye kahani ko inhone aise kamal ke tareeke se narrate kiya hai Nitesh ji ne apne team ke saath, writers ki team ke saath, ki ye aapko waqai ek aise journey pe le jate hain jisme aapko maza bhi aata hai, aap kuch cheeze samajhte bhi hain, aapko aapki aankhein bhi nam hoti hain aur aapko इंस्पिरेशन फील होता है. सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश की. अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों का सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया. इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया. आई वॉज लाइक रियली मूव्ड बाई द स्क्रिप्ट. आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड. तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है. फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम थ्री करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के
रोल में डालना चाह रहे हैं जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है. तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है. तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ, मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी. तो मैंने एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी. आमिर हाय, दिस इज मयूर. मैं आंसर पूरा कर लूँ यार, आई हैव रियलाइज नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर. ठीक है ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ये है. कैन आई आस्क नाउ? नहीं नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड हियर, हद हो गई यार. किधर है मयूर? मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? हाँ अच्छा, तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा. तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा. तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है. तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी. और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा. और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ. वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के. तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना अपने को वहाँ जाना है. तो देन आई डिड इट इमीडिएटली. आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी माय बैड डे, आई एम सो सॉरी. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग मैं वेट बढ़ाऊँ, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊँ, 55 तक पहुँचूँ, ये सब हम कर सकते थे. तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर हम, मैं वेट कम करूँगा, लूज़ करूँगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूँगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूँ आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे. उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी. तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है. तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक जो एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा. तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी. मयूर, थैंक यू सो मच. आमिर, या माय, लाइक आई डोंट विश टू विशेयर द एनवायरनमेंट हियर, बट कमिंग बैक टू द इशू ऑफ सलमान खान एंड द कमेंट्स बाय मिस्टर इरफान खान, don't you think that as a nation it is a misfortune that that a comment by two actors, you know, two personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of, you know, justice for the many Nirbhayas and you know, the killing in Dadri? See, you know, I think that I really feel, you know, that as a society and especially the media, aap log sab media ke hain yahan pe, ke bahut sare issues hain hamare samne. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है. मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता. ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता. लेट मी जस्ट कन्वे व्हाट आई एम सेइंग. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much you'll agree, in general. And in general, that is the trend that's happening today. So I'm saying it, if we all decide to focus on positive things,
you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. You know, as a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Amit sir, my question to you. On your left. Sorry. So you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? Dangal actually title to Nitesh ji ne likha hai. Kyunki jab unhone kahani sunai mujhe to usi waqt unke mind mein ye title tha. To aapne kyun chuna ye title? I think sir ye title maine bhi nahi chuna tha. Jab mere paas script aayi thi to it came with the title Dangal only. Achha. Ha, matlab when the char line thought jo aaya tha mere paas UTV ki team se, from Disney ki Disney. Team se. तो उसका टाइटल दंगल ही था यू नो तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो एप्रोप्रिएट दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना दंगल का मतलब राइट्स नहीं है वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स एक्चुअली हिंदी में हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती कुश्ती अ बाउट अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है मैं उसके बोल आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस And every challenge is like a dangal. How you react to it, how you face up to it, is what matters. The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the four girls. Somehow, you know, in a way they have that boyish look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role? It can retain its, the femininity as well. Yeah, of course, you're absolutely right, and I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all, right. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. You know, I've not signed any film yet. Are you planning? I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything. But yet. Is Rakesh Sharma something that you're exploring? You know, until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair. I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me, and they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone कि मैं भाई so and so director ने script लेके मेरे पास आए. क्योंकि अगर मैंने नहीं की तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की रिजेक्ट की नहीं बन रही है वो फिल्म क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी क्या नहीं था आई डोंट वांट दैट इट्स नॉट फेयर व्हेन समवन कम्स टू मी इन फेथ एंड आई लाइक टू अपहोल्ड दैट फेथ सो विच एवर स्क्रिप्ट आई हियर यू विल नेवर कम टू नो कि मैं किसकी सुन रहा हूँ किसकी नहीं सुन रहा हूँ सो आई विल नीदर डिनाई नो एडमिट टू योर क्वेश्चन थैंक यू आमिर तिवारी दिस क्वेश्चन इज फॉर यू कैन आई आस्क हां We'll come to you. Okay, you know, of course, Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his four daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. You have six songs. At least And it six. Might become seven. Yeah. Why Amir seven? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now, we already have six in the film. So it has six songs, yes. Thank you. Amir, the question is regarding your weight in the movie.
How did you gain the weight and how do you reduce the weight? You know, see, gaining is easy. वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए पीजिए वो सारी चीजें जो हमको बोला जाता है मत खाओ, जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दवा के खा रहा था और इतना मैंने इन्जॉय किया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत इन्जॉय किया. मतलब जहाँ मैं जाऊँ लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. नहीं तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट यू नो थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वॉज रियली डिफिकल्ट. बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी. आई हैव टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर. वो अमरीका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ यू नो पर्सन हु इज टू कंसल्ट हिम. उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई, तो लकीली आई मेट निखिल. ही वॉज इन इंडिया दैट टाइम एंड ही सेड आई विल टेक ओवर फ्रॉम वेयर डैड हैज लेफ्ट. तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट हु नोज अबाउट फूड प्रॉपरली. उस नॉलेज के साथ मुझे पूरा फेथ था कि यहां मैं रॉन्ग नहीं जा रहा हूं, व्हाटएवर ही टेल्स मी विल बी द करेक्ट थिंग. सो एंड आई इन्वॉल्व हिम इन द बिफोर वी स्टार्टेड द शूटिंग, इवन इन द वेट गेन एंड इन द वेट सस्टेनेंस, ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिंग द डायट फॉर मी. एंड then the weight loss began from the 10th of January, I think 10th January se mera weight loss shuru hua. So he was very critical in this whole process. The other two people who were critical were my trainers. Ek mere trainer hai, unka naam hai Rakesh. Aur Rakesh mere saath the shuru mein jab humne shuru kiya training. Aur training mein dekhiye, ye bhi important hai ki main mota hu lekin meri training phir bhi ja rahi hai. Aapko wo muscles dikhenge nahi kyunki charbi itni zyada hai uske upar ki muscles ka shape aapko nazar nahi aayega. लेकिन वो ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूँगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई ट्रेन राइट थ्रू दिस प्रोसेस. इवन व्हेन आई एम फैट आई एम ट्रेनिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन व्हेन यू आर फैट. 97 किलोज एंड यू आर डूइंग स्क्वाट्स एंड यू आर डूइंग यू नो बेंच प्रेस एंड यू आर डूइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. खैर, तो मैंने वो राकेश वॉज विथ मी एंड देन राकेश इज एक्चुअली सलमान्स ट्रेनर. वो रेगुलरली सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और ही ट्रेन सलमान एंड उनकी जगह पे राहुल भट्ट केम टू ट्रेन मी, भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट ट्रेन मी फॉर 3-4 मंथ्स जस्ट शूटिंग के दौरान एंड देन वंस सुल्तान की शूटिंग कंप्लीट हो गई देन राकेश केम बैक. सो लास्ट 3 मंथ्स अगेन राकेश हैज ट्रेन मी. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Dhurandhar, Rahul Bhatt and Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here. Is the title, Dangal. I don't know if you know that, क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत इसार. सो आई न्यू दैट सलमान इज वेरी क्लोज टू पुनीत एंड आई कॉल्ड अप सलमान वन डे एंड सेड के यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, कैन यू रिक्वेस्ट, कैन यू अरेंज अ मीटिंग बिटवीन पुनीत एंड मी. सो दंग एक्चुअली सलमान कॉल्ड अप पुनीत एंड सेड यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है. लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया. दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है एंड ही कॉल्ड अप पुनीत एंड देन पुनीत एंड आई मेट एंड पुनीत इज़ वेरी स्वीट. ही सेड कि यार मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग इस्तेमाल कर लो.
So he gave us the title, and that's how we got the title, actually, Dangal. You? Yeah. The film is about the father and his four daughters and how he trains his two daughters to be wrestling champions. So how was it working with the four girls? This is my first question. Oh, that was outstanding. I really loved working with them. When you watch the film, you will see a lot of things and you will be shocked, surprised. जो चार लड़कियों ने काम किया है अनबिलीवेबल एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मतलब ये अपनी पहली फिल्म कर रही है मैं कुछ 40 फिल्में कर चुका हूं मैं पिछले 25 27 साल से काम कर रहा हूं लेकिन जिस एफर्टलेस तरीके से वो शॉट देती थी मैं देख के हैरान हो जाता था कि यार ये पहली फिल्म कर रही है अपनी सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम यू नो द यंग किड्स ऑफ टुडे आर सो फोकस्ड They're so hardworking. All four of them are really hardworking. And this was a very difficult film for them to do because all of them have to run wrestling. Wrestling is a very tough sport. Aapki body mein injuries hoti hain. So for example, Fatima, in the earlier part of her wrestling, only she injured her rib. And she had to do the whole 1 year of shooting and the wrestling rehearsals with that broken rib. Because rib ka koi fracture apna, koi cast wast nahi hota. You have to just allow it to heal. So they had to really push their own limits, their physical limits. फिर हरियाणवी की डायलेक्ट सीखना है तो आई थिंक ऑल ऑफ देम एक्चुअली इंजरी तो सभी को हुई मुझे भी हुई इंजरीज फातिमा सानिया अपना सुहानी एंड जायरा बट ऑल फोर ऑफ देम यू नो सुहानी इज द लिटिल डार्लिंग बिकॉज शी इज द स्मॉलेस्ट वी ऑल रियली लव हर एंड जायरा इज वेरी वेरी टैलेंटेड शी इज अ वंडरफुली टैलेंटेड यंग गर्ल सानिया इज माई फेवरेट आई हैव टू से माई हार्ट गोज आउट टू हर She's someone I just emotionally connect probably maximum with Sania. And then there's Fatima who's done a fantastic job. She's a very talented actor. I mean, all four are very talented, I have to say. All four, there's no difference. And all four have applied themselves completely. I mean, whatever I say is less about them. The tagline of the film, Hamari Choriyan Choro Se Kam Hai Kya? It's 2016. Don't you think we just have to live it to the answer? Ki kam nahi hai. Asking it again and again, ki kam hai, kam hai. We are just nullifying the fact ki haan kam nahi hai. Nahi, nahi, nahi. Aisa nahi hoega. Aap film dekhiye. Trust us. Amir, any particular reason to launch this poster two days before Sultan? Amir here. Where? Left. कहाँ है Any particular reason to launch the poster two days before the release of Sultan? Oh yes, because Sultan is going to be a huge super duper hit, yeah. And all the millions of people who come to see Sultan, I want them to see this poster outside in the theater के भाई हमारी भी आ रही है बाद में. So that's the reason. इतनी बड़ी bumper hit होने वाली है उसकी opening कुछ bizarre लगने वाली है. तो जो लाखों लोग आएंगे theater में, तो हम theater में हम कम से कम एक कोने में तो खड़े हो जाएं भाई. हम भी हैं. छह महीने बाद हम भी आ रहे हैं सो वी आर यूजिंग द ह्यूज पोटेंशियल दैट सुल्तान हैज टू प्रोपेल आवर फिल्म एंड आमिर यू जस्ट सेड दैट वन ऑफ योर ट्रेनर लेफ्ट यू इन बिटवीन आई बिलीव राकेश फॉर भाई सो वर यू डिड यू नॉट फील ऑफेंडेड नो आई डिडंट फील ऑफेंडेड नो बिकॉज सी द थिंग इज दैट आई नो दैट राकेश रेगुलरली ट्रेन सलमान फर्स्ट ऑफ ऑल ही रेगुलरली ट्रेन सलमान एंड हैज बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स So I'm actually a new person that Rakesh is training. So I don't feel that. And at the end of the day, that you know, Salman is used to him. Salman trains with him. Has been training with him for 10-15 years. I don't know how many years. So वो बात मैं समझता हूँ. और मैं अक्सर राकेश को बोलता हूँ. कभी-कभी हमारा timing clash होगा. उसकी shooting है, मेरी shooting है. तो आप Salman को preference दो. मैं manage कर लूँगा. That's my understanding with Rakesh also from the very beginning. And during our recent interview, Salman said that for 20 days he had to do the fit bit, then he had to do the unfit bit, and then again he had to loosen his weight and then increase the weight and all, you know. And he said ki Amir ka acha tha, usne to 6 mahine mein kar liya. So what do you want to say? Bola ye sab changes karna halwa nahi hota hai. He is absolutely right that it's very difficult to do that. It's very challenging and I can understand because I've been through it and I know he's been through it. So it's really something that is very challenging and hats off to what he's done. Hi, Abhishek here, straight. आपने कहा ऑफ लेट हम उनकी और शाहरुख की बॉन्डिंग काफ़ी देख रहे हैं रिसेंटली वो लोग साइकिलिंग करते हुए भी देखे गए थे तो क्या आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं जो आपके वो नहीं देखा गया साथ में
मतलब आपको क्या लगता है कि एक दफा मेरी दोस्ती होगी किसी के साथ और किसी से दोस्ती अब नहीं हो सकती, मुझे धोखा मत देना, किसी और का दोस्त बनना मत, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट सलमान एंड शाहरुख आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, दे वेंट आउट साइकिलिंग, दे यू नो चिलिंग टुगेदर, दैट्स वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल। ओके आमिर सर, व्हेन वी सी बायोपिक्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट, व्हेन वी सी बायोपिक्स बीइंग मेड ऑन you know, people who are alive, the makers usually bring them towards, you know, when they promote the film. Do you have plans to do the same? Yes, yes. Of course, we would like you to speak to them. If you would like to introduce them to all of you at the right time, we'll be doing that. Amir, the film shows woman encouragement in sports. Yeah. Sorry, what? Film shows encouragement of women in sports, that is wrestling. So do you think in India there's lack of encouragement for women in sports and it should be increased? आई थिंक दैट जो पेट्रियाकल थिंकिंग है हमारे समाज में वो हर चीज़ में इफेक्ट करती है, स्पोर्ट्स में इफेक्ट करती है। आप बच्चियों को, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बच्चियों को पैदा नहीं होने देते, कोक में ही हम मार देते हैं। फीमेल फीटोसाइट कितना होता है हमारे यहाँ, तो एक तो हम उनको पैदा नहीं होने देते, अगर वो पैदा हो गए तो हम उनको वही शिक्षा जो हम अपने बेटे को दे रहे हैं वो नहीं देते। मैं सब हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ बोल रहा हूँ। अक्सर ये हमने देखा है कि फिर बच्चियों को सही एजुकेशन नहीं मिलता, उस पर हम एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, उसके हेल्थ पे हम खर्च नहीं करते, हम कम खर्च करते हैं। पहले लड़के को खिलाओ भाई, दूध है तो उसको पिलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे समाज में, हर घर में ऐसा नहीं होता, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी दो बहनें हैं, हम दो भाई हैं और हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे समाज में ये सोच है, और कोशिश हम सबकी यही हो कि हम इस सोच को धीरे धीरे लोगों के दिल में से उस सोच को बदलें, और अल्टीमेटली जब लोगों का दिल बदलेगा, जब उनके जज्बात बदलेंगे, तभी ये बात बदलेगी। आमिर, व्हेन यू सेड दैट यू नो पोस्टर आप कोने में रखना चाहेंगे सुल्तान के रिलीज पर सो दैट पीपल वुड आल्सो सी इट, यू नो आर यू इंप्लाइंग द फैक्ट दैट सलमान इज टुडे अ बिगर स्टार देन यू? ही इज ऑलवेज बीन अ बिगर स्टार देन मी, इसमें नहीं क्या बात है। I've always considered Salman a bigger star. I've always considered Shah Rukh a bigger star. I've always considered Amit Ji a bigger star. And there are a host of stars who I feel are very, very huge in India. There's Hrithik, there's Ajay Devgan, there's Ranbir, Ranveer. So many actors who are hugely popular. It's very difficult to compare kaun aage kaun piche. Wo us comparison mein jata nahi. But I do feel that, you know, when I see Salman walking into a room, ऐसा लगता है कि स्टार आया यार। मैं एंटर मारता हूँ तो लगता है कि कोई वेटर आ गया। सॉरी, आई एम सॉरी, आई शुड से दैट बिकॉज वेटर्स आर ग्रेट पीपल। कहाँ हैं भाई वेटर्स? आई शुड से दैट, बट आई फील दैट वेन आई वॉक इन टू अ रूम, आई फील कि कोई नोबडी आया है। मैं चुपके से कॉर्नर में एंटर होता हूँ और जाके खड़ा हो जाता हूँ। It's Salman who enters Shahrukh. When Shahrukh enters, you feel a star has entered. Oh, quality hai hi nahi mere mein. So to answer your question, yes, they are both bigger stars than me. Amir, ek sawal hai aapse. Abhi aapne kaha ki jo ladkiyan hain wo pet mein hi maar di jati hain ya unko zyada privilege nahi milta hai. Aur Haryana to is mamle mein sabse number one position mein hai hamare desh mein. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप, यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है ये सबसे बड़ा प्रयास है। आप देखिए तारे जमीन पर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में। थ्री इडियट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एजुकेशन पे। तो मेरे समझ से यही तो हमने दो साल जो लगाए, मैंने दो साल लगाए, नितेश जी ने चार साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है। और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स, एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आर किड्स टू डू वॉट मेक्स देम हैप्पी एंड टू लर्न अबाउट थिंग्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन ऑलवेज। आमिर सर, या आमिर, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा लाजमी है कि किसी भी हीरोज़ में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई
इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो हमारे मेरे मन में भी जवाब है, लेकिन आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। आमिर आपसे सवाल है, आमिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी, अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है, आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म वर्क नहीं हुई थी, लगान से पहले कई बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी, और उसके बाद लगातार कई फिल्में आईं, चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं, बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से, और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, हमने उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ नहीं, देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं, और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली साक्षी जी के का थॉट मेरे माइंड में पहले आया, और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर। वो एक टेक पे परफेक्ट टेक दे, पहले टेक, और नॉट ओनली शी स्किल्ड बट शी इज सो वेट विद इमोशंस, सो देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ रियल स्किल विद यू नो फीलिंग द शॉट व्हाइल यू आर डूइंग इट, व्हिच आई फाइंड दैट वेरी रेयर इन, एंड एवरी शॉट शी डज दैट। मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो धम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है, मुझे लग रहा है 7 take 8 take, शी इज फैंटास्टिक, आई जस्ट लव्ड हर, एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विद, रियली वंडरफुल टू वर्क। निक नाम तो मैंने सोच नहीं थे उस वक्त, लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में, मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी एक हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया, ये थॉट मुझे हमेशा आता है। अच्छा थॉट इसलिए आता है, मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए, तो मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में जो होना है वो होगा। लेकिन इस फिल्म में मैंने नीतीश जी को एक पॉइंट पे बोला, वही उदय यू आर नॉट देयर, तो मैंने नीतीश जी को बोला कि देखिए नीतीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है, अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा, लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं अब कहाँ सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं, आपने सोचा नहीं? सोचा आपने, चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा, सॉरी। When is the trailer expected? You know we are still working on the trailer, so as soon as we are ready, I can't say yet when. Thank you. When am I planning to watch Sultan? The moment it comes in the theaters. Yeah, 6th July. Hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूंगा जल्दी से। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।